ಬ್ರೇಕ್. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಲೈವ್. ಅಪನೇ ರಾಜ್ಯ, ಅಪನೇ ಪಡೋಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸಭಿ ದೇಶವಾಸಿಯೋ ಕೆ ಹಿತ ಮೇ ಉಸ್ಕಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಪ್ರಾಥಮಿಕತೆ. ಮೈ ಏಕ್ ಔರ್ ಉದಾಹರಣ ದೇತಾ ಹೂನ್. ಅಬ್ ನವಂಬರ್ ಮೇ ಜೋ ಕರ್ನಾ ಥಾ ನಹೀ ಕಿಯಾ, ಇಸ್ಲಿಯೇ ಪಿಛಲಿ 6 ಮಹೀನೆ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಹೈ. ಆಜ್ ಚೆನ್ನೈ ಮೇ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ करीब 111 रुपया के पास है, जयपुर में 118 से भी ज्यादा है, हैदराबाद में 119 से ज्यादा है, कोलकाता में 115 से ज्यादा है, मुंबई में 120 से ज्यादा है. और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है. मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया. अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है, देहरादून छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड 103 रुपया है. मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए. ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है आज. साथियों, एक विषय और जिस पर भी मैं अपनी बात आज कहना चाहता हूं. देश में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और समय से पहले बहुत गर्मी बढ़ रही है, और ऐसे समय में हम अलग अलग स्थानों पर आग की बढ़ती हुई घटनाएं भी देख रहे हैं. जंगलों में, महत्वपूर्ण इमारतों में, अस्पतालों में आग की कई घटनाएं बीते कुछ दिनों में हुई है. हम सबको याद है वो दिन कितने पीड़ादायक थे, जब पिछले साल कई हॉस्पिटलों में आग लगी और वो बड़ी दर्दनाक स्थिति थी. बहुत मुश्किल समय था वो. अनेक लोगों को इन हादसों में अपनी जान गंवानी पड़ी थी. इसलिए मेरे सभी राज्यों से आग्रह है कि अभी से हम विशेषकर हॉस्पिटलों का सेफ्टी ऑडिट करवाएं, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करें और प्राथमिकता के आधार पर करें. ऐसी घटनाओं से हम बच सके, ऐसी घटनाएं कम से कम हो, हमारा रिस्पांस टाइम भी कम से कम हो, जान माल की हानि ना हो, इसके लिए भी मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप अपनी टीम को विशेष रूप से इस काम पर लगाइए और बिल्कुल मॉनिटरिंग कीजिए, ताकि देश में कहीं हादसा ना हो, हमारे निर्दोष नागरिकों को जान न गंवानी पड़े. साथियों, आप सभी ने समय निकाला, इसके लिए मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूं. और हमेशा मैं आपके लिए उपलब्ध रहता हूं. कोई भी जरूरी सुझाव आपके होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. ಲಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ಮುಂದುವರಿತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.